हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे हाउ टू ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू एन इलिप्स। तो इलिप्स के ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपको एक इलिप्स ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये ऑलरेडी हमने एक इलिप्स यहाँ पे ड्रॉ करके रखा है। इलिप्स में दो एक्सिस होती है, एक मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस। तो ये देखिए, यहाँ पे आपको दो एक्सिस दिखाई देंगी। ये है मेजर एक्सिस ए बी, हमने यहाँ पे लिखा है मेजर एक्सिस, और ये है माइनर एक्सिस सी डी, यहाँ पे लिखा है माइनर एक्सिस। ठीक है, मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस का यूज करके आप इलिप्स ड्रॉ करते हैं। ये इलिप्स ड्रॉ करने के लिए नंबर ऑफ मेथड्स है। पहला है इलिप्स बाय आर्क ऑफ सर्कल मेथड, दूसरा है इलिप्स बाय रेक्टेंगुलर मेथड, इट मीन्स बाय ऑब्लॉन्ग मेथड, तीसरा है एलिप्स बाय कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड, चौथा है एलिप्स बाय डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस मेथड, पांचवा है एलिप्स बाय फोर सेंटर मेथड। एलिप्स ड्रॉ करने के लिए ये नंबर ऑफ मेथड्स है, ये मेथड से आप आसानी से एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने ये सभी मेथड से एलिप्स कैसे ड्रॉ करना उसके नंबर ऑफ वीडियोज इसके पहले अपलोड किए थे, वो सभी वीडियोज आप हमारे यूट्यूब चैनल से स्टडी कर सकते हैं, आपको एलिप्स ड्रॉ करना अच्छे से आ जाएगा। लेकिन आज हमें एलिप्स ड्रॉ नहीं करना है, आज हमें एलिप्स के ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। एलिप्स तो ड्रॉ कैसे करना वो हमने इसके पहले सभी वीडियोस में बता दिए, लेकिन टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना है वो यहां पे हमें स्टडी करना है। तो टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए यहां पे सबसे पहले हमें एक पॉइंट ले लेना पड़ेगा। एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है एलिप्स का, तो आपको वो क्वेश्चन पहले पढ़ के ये चेक कर लेना है कि टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए कहा है या नहीं कहा है। अगर टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कहा है तो वो कौन से पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए कहा है, ये आपको क्वेश्चन में पहले पढ़ लेना है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में लिखा होता है ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट 70 mm फ्रॉम द फोकस, ड्रॉ टेंजेंट एंड नॉर्मल एट 100 mm फ्रॉम द फोकस, ऐसा क्वेश्चन में लिखा होता है। या कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें लिखा होता है ड्रॉ द टेंजेंट एंड नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, इसका मतलब इलिप्स के ऊपर कहीं पे भी एक पॉइंट लो और टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करो, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो हमेशा ये एग्जाम में आपको ये कंफर्म करना है कि टेंजेंट और नॉर्मल एग्जैक्टली कहां पे ड्रॉ करना है। ठीक है, ये आपको हमेशा पढ़ना है। तो चलो यहां पे फिलहाल हमें टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है, तो हम एक काम करते हैं, यहां कहीं पे भी इलिप्स के ऊपर टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए एक पॉइंट ले लेंगे। ठीक है, तो ये देखिए, यहां पे हम टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। तो ये पॉइंट हमने यहां ले लिए, ये पॉइंट को हम कहेंगे पॉइंट पी। ये पॉइंट पे हमें टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है। ये समझ लो कि टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एलिप्स तो ड्रॉ कर लेते हैं लेकिन टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करते समय गलती करते हैं, तो वो गलती नहीं होनी चाहिए। तो क्या स्टेप्स रहेंगी, देखो जो पॉइंट पे टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करना है वो पॉइंट हमने सबसे पहले मार्क किए। ठीक है, वो पॉइंट को हमने कहा पॉइंट पी। अब आपको यहां पे एलिप्स के फोकस शो करना है, फोकस कहो या फोसाई कहो। टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए आपको फोकस शो करना कंपलसरी है। यहां पे देखो कहीं पे भी आपको फोकस या फिर फोसा है यहां पे कहीं पे भी आपको दिखाई नहीं देंगे, तो वो आपको फोकस यहां पे पहले शो करना है। फोकस शो करने के लिए आपको मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस का यूज करना होता है। मेजर एक्सिस क्या है, मेजर एक्सिस है ए बी, तो मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस कितना हुआ, मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस हुआ एओ। आपको कंपास ले लेना है, तो ये देखिए, ये हमने कंपास ले लिए और अब कंपास में आपको एओ का लेंथ ले लेना है। तो ये देखिए, ये हमने AO का लेंथ ले लिए जो कि मेजर एक्सिस का हाफ डिस्टेंस है। ठीक है, ये हमने ले लिए। आपको क्या करना है, कंपास का जो सेंटर है वो आपको C पॉइंट पे पुट करना है, और कंपास का सेंटर C पॉइंट पे रख के A के तरफ और B के तरफ जो मेजर एक्सिस है उसके ऊपर आपको कट करना है। तो ये देखिए, कंपास का सेंटर हम यहां पे C पे रखेंगे और ये हम यहां पे B के तरफ कट करेंगे। ये देखो B के तरफ जो मेजर एक्सिस है वहां पे हमने कट किए, बिल्कुल उसी तरह से कंपास का सेंटर C पे रख के हम ये मेजर एक्सिस जो A के तरफ है उसके ऊपर हम कट करेंगे। ये देखिए यहां पे हमने कट किए। ठीक है, दोनों साइड में जो हमने कट किए उससे हमें क्या मिला, उससे हमें फोकस के इसका मतलब फोसाई के हमें यहां पे पॉइंट्स मिल गए। तो ये जो A के तरफ जो लेफ्ट साइड में हमें पॉइंट मिला ये है फोकस F1 का पॉइंट, हम इसको कहेंगे F1, और ये जो B के तरफ हमें जो पॉइंट मिला है ये है फोकस F2 का पॉइंट। ठीक है, तो फाइनली हमने फोकस यहां पे शो कर लिया है जो काफी इंपॉर्टेंट है। बिना फोकस के आप जो है टेंजेंट या नॉर्मल ड्रॉ कर नहीं सकते। तो अब देखिए फोकस का यूज कैसे करना है। अब आपको क्या करना है, ये फोकस F1 और F2 आपको पॉइंट P से ज्वाइन करना है। ठीक है, तो ये देखिए हम F2 को यहां पॉइंट P से ज्वाइन करेंगे, ये हमने ज्वाइन कर लिए, और उसी तरह से ये F1 को भी हम पॉइंट P से ज्वाइन करेंगे। और ये जो अब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ये अब आपको ड्राइंग बुक में ड्रॉ करते समय फेंट पेंसिल का यूज करके करना है। देखो हमने यहां पे रेड कलर के पेन का यूज किया है, तो रेड कलर का पेन इसका मतलब आपको फेंट पेंसिल का यूज करके ड्रॉ करना है। तो ये देखिए जो पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना है वो है पॉइंट पी, और ये पॉइंट पी को हमने सीधा सीधा फोकस एफ1 और एफ2 को ज्वाइन किया है। और अब आपको क्या करना है,
ये एंगल चेक करना है। देखो ये जो एंगल है इनके बीच में क्या एंगल है वो आपको चेक करना है। पॉइंट पी आपने F1 F2 को ज्वाइन किए तो ये जो दो आपको रेड कलर की लाइन दिखाई दे रही है इनके बीच में एंगल कितना डिग्री का है ये क्वेश्चन मार्क है। ये आपको एंगल चेक करना है। आपको एंगल चेक करके इसके बीच में एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है तो एंगल के बीच में से जो लाइन पास होती है उसको एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कहीं परपेंडिकुलर ऐसे 90 डिग्री का अगर एंगल है ठीक है तो ये देखिए 90 डिग्री एंगल में अगर आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो वो बीच में से पास होगा एंगल बाइसेक्टर और वो दोनों तरफ 45-45 डिग्री का एंगल बनाएगा क्योंकि 90 का हाफ कितना हो गया। एंगल बाइसेक्टर हमेशा एंगल के बीच में से पास होता है। यहां पर अगर इनके बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है तो 90 डिवाइडेड बाई 2 करो तो आएगा 45। तो ये देखिए 45-45 के बीच में से यहां पे जो है 45 एंगल पे यहां पे एंगल बाइसेक्टर जाएगा। और एक एग्जांपल आपको बताते हैं अगर एंगल के बीच में अगर 60 डिग्री का एंगल है। देखो अगर यहां पे 60 डिग्री का एंगल है और अगर आपको यहां पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है तो 60 का हाफ करो। 60 का हाफ कितना 30। तो जाहिर सी बात है 30 डिग्री के एंगल पे यहां पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ होगा। इधर का एंगल 30 डिग्री का रहेगा और इधर का भी एंगल 30 डिग्री का रहेगा ठीक है। तो एंगल बाइसेक्टर हमेशा एंगल के बीच में से पास होता है तो इसी टाइप का एंगल बाइसेक्टर हमें यहां पर ड्रॉ करना है। जो एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करोगे उसी को कहते हैं नॉर्मल। यहां पर पहले हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है और फिर नॉर्मल का यूज करके टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला या तो आप यहां पे प्रोटेक्टर का यूज करो, दूसरा या तो आप यहां पे कंपास का यूज करो। प्रोटेक्टर का यूज कब करते हैं और कंपास का यूज कब करते हैं वो पहले आप समझ लो। अगर इनके बीच में कोई अगर एग्जैक्ट अगर कोई एंगल आता है जिसका हाफ होता है तो आप प्रोटेक्टर का यूज करो। जैसे मान लो इनके बीच में जो एंगल है वो मान लो कि 60 डिग्री का एंगल है। अगर इनके बीच में 60 डिग्री का एंगल है तो 60 का हाफ कितना होगा 30। तो आप आसानी से प्रोटेक्टर से 30 डिग्री के एंगल पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मान लो इनके बीच में 70 डिग्री का एंगल है तो एंगल बाइसेक्टर 35 डिग्री पे होगा। 70 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो 70/2 35 होता है। तो आप 35 डिग्री पे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। अगर इनके बीच में 80 का एंगल है 80 डिग्री का एंगल है तो 80 का हाफ कितना 40। तो 40 डिग्री के एंगल पे आप एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करोगे। तो ये प्रोटेक्टर से होता है अगर कोई एग्जैक्ट एंगल आता है तो। लेकिन अगर इनके बीच में कोई एग्जैक्ट एंगल नहीं है, मान लो इनके बीच में अगर 43 डिग्री का एंगल है तो 43 का जो हाफ है वो प्रोटेक्टर से एग्जैक्टली नहीं आएगा। उसी तरह से मान लो इनके बीच में 87 डिग्री का एंगल है 87, तो 87 का हाफ प्रोटेक्टर से एग्जैक्टली नहीं आएगा। तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप कंपास का यूज करो। कंपास का यूज करके आप यहां पे एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करो। तो चलो यहां पे हम आपको बताते हैं कि कंपास का यूज करके एंगल बाइसेक्टर कैसे यहां पे फाइंड आउट करना। प्रोटेक्टर से तो एंगल बाइसेक्टर आप आसानी से ले सकते हैं, लेकिन वो अगर वो एग्जैक्ट अगर एंगल हुआ तो ही आप प्रोटेक्टर का सही से यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एग्जैक्ट एंगल नहीं हुआ तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप कंपास का यूज करेंगे। तो ये देखिए हम कंपास का यूज कर रहे हैं। तो एंगल बाइसेक्टर के लिए क्या करो, कंपास में कुछ भी लेंथ ले लो, कुछ भी जो आपका मन करे। तो ये हमने कंपास में यहां पे कुछ भी लेंथ ले लिए। अब आपको क्या करना है, कंपास का सेंटर ये पी पॉइंट पे पुट करना है और ये F1 की तरफ वाली लाइन पे कट करना है, F2 की तरफ वाली लाइन पे भी कट करना है ठीक है। कंपास का सेंटर पी पे रखो, तो ये हम पी पे रखेंगे और देखो F2 की तरफ वाली लाइन पे ये हम यहां पे कट करेंगे। ये देखिए ये हमने यहां पे कट किए, F2 की तरफ वाली लाइन पे कट किए। इतना ही लेंथ आपको F1 की तरफ वाली लाइन पे भी कट करना है। कंपास का सेंटर P पे है, ये देखो हमने दोनों तरफ यहां पे कट किए। जहां पे कट हुआ हम इसको नेमिंग दे देंगे। वैसे नेमिंग देना कंपलसरी नहीं है लेकिन आपको समझाने के लिए हम यहां पे नेमिंग दे देंगे। हम इसको कहेंगे M और इसको कहेंगे N। और अब कंपास में आपने जितना लेंथ लिए थे वही लेंथ अब आपको कंटिन्यू करना है। और अब आपको क्या करना है, कंपास का सेंटर M पे पुट करके यहां पे एक आर्क करना है और फिर कंपास का सेंटर N पे रख के वो आर्क पे आपको क्रॉस करना है। देखो कंपास का सेंटर लेंथ उतना ही है, जो लेंथ का यूज करके हमने M और N यहां पे मार्क किए थे वही लेंथ अब आपको कंटिन्यू करना है। कंपास का सेंटर आपको यहां M पे रखना है। देखो ये हम कंपास का सेंटर M पे रखेंगे और यहां पे एक बीच में एक आर्क बना देंगे। देखो हमने एक आर्क बना दी और अब कंपास का सेंटर यहां पे N पे रखेंगे और जो आपने आर्क बनाए वो आर्क पे आपको कट करना है। ये देखिए ये हमने यहां पे कट कर दिए, दोनों आर्क यहां पे कट हो गए ठीक है। दोनों आर्क जो है वो एक जगह क्रॉस हो गए। तो दोनों जहां पे क्रॉस हो गए वो क्रॉस सेक्शन पॉइंट, देखो ये जो क्रॉस सेक्शन पॉइंट है, मान लो ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट है क्यू। अब आपको क्या करना है, ये पी और ये क्यू ज्वाइन करना है। तो पी और क्यू ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी वो लाइन कहलाएंगी नॉर्मल। तो देखो ये हम P और Q यहां पे ज्वाइन करेंगे और ये नॉर्मल आपको ज्वाइन करने के लिए डार्क पेन का यूज करना है। देखो हम ब्लैक पेन से यहां पे ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये देखिए ये हमने जो बनाया है ये क्या है, ये है नॉर्मल। ये जो PQ आपको जो दिखाई दे रहा है ये है नॉर्मल। अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है।
एक बार नॉर्मल बन गया तो टेंजेंट ड्रॉ करना काफी आसान है, क्योंकि नॉर्मल और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं। तो यहां पे हमने नॉर्मल बना लिए और अब टेंजेंट के लिए हमें बस क्या करना है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आपको प्रोटेक्टर ले लेना है। तो ये देखो, ये हमने प्रोटेक्टर ले लिए और अब प्रोटेक्टर किस तरह से रखना है वो समझ लो। प्रोटेक्टर का जो जीरो डिग्री है, प्रोटेक्टर का सेंटर और प्रोटेक्टर का जीरो डिग्री, ये दो इसमें इंपॉर्टेंट चीज होते हैं। प्रोटेक्टर का जो सेंटर है वो आपको पॉइंट पी पे रखना है और जो प्रोटेक्टर का जीरो डिग्री है वो आपको नॉर्मल पे सेट करना है, ठीक है। तो ये देखो, प्रोटेक्टर का सेंटर हम यहाँ पे पी पे रखेंगे और प्रोटेक्टर का जीरो डिग्री, ये देखो, ये हमने नॉर्मल पे सेट किए हैं जीरो डिग्री। और अब यहां से काउंट करो, 90 डिग्री का एंगल लो ऐसे, तो ये देखिए, ये 90 डिग्री का एंगल हमें यहाँ पे मार्क करना है, ये हमने यहाँ पे मार्क कर लिए। और अब बस क्या करना है, ये जो हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क किए हैं उसको हमें पी से ज्वाइन करना है। तो ये देखिए, ये हमने टेंजेंट यहां पे ड्रॉ कर लिया है और ये टेंजेंट के दोनों तरफ हमने यहां पे एरो हेड दिया है, इधर भी एरो दिया है और इधर भी एरो दिया है। एरो देना कंपलसरी नहीं है, अगर आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर अगर एरो देने के लिए कह रहे हैं तो आपको टेंजेंट को एरो देना है, नहीं तो आपको एक सिंगल ऐसी प्लेन लाइन ड्रॉ करना है। कुछ बुक्स में एरो देके ड्रॉ किया है तो कुछ बुक्स में जो है एक प्लेन लाइन बना के दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कॉलेज में आपके लेक्चरर जो कह रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद टेंजेंट के ऊपर आपको कैपिटल लेटर में टेंजेंट लिखना है और नॉर्मल के ऊपर कैपिटल लेटर में आपको नॉर्मल लिखना है, ठीक है। टेंजेंट और नॉर्मल का डार्कनेस वही होना चाहिए जो इलिप्स का डार्कनेस है। देखो, इलिप्स आप डार्क पेंसिल से ड्रॉ करोगे तो वही डार्कनेस से आपको टेंजेंट और नॉर्मल भी शो करना है, ठीक है। इलिप्स पूरा ड्रॉ होने के बाद इलिप्स का मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का जो भी लेंथ है वो आपको यहां पे मेंशन करना है। तो इस तरह से फाइनली आज के वीडियो में हमने टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करना वो पूरी तरह से स्टडी कर लिए। उम्मीद करते हैं कि ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। ये आपको अपनी ड्रॉइंग बुक में भी ड्रॉ करके देख लेना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।